नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को ICDS की तरफ से जो लेटर जारी हुआ है उसी लेटर के बारे में आज आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे लेटर की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 22/7/2021 को लेटर जारी किया गया है। संचिका संख्या है 3588 और इस लेटर को जारी करने वाले हैं निदेशक ICDS। और इस लेटर को किनको जारी किया गया है, जैसे कि सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को ये लेटर जारी किया गया है। तो इस लेटर का विषय दिया गया है दिनांक 29/12/2020 को विकास आयुक्त बिहार की अध्यक्षता में संपन्न अंतर विभागीय समन्वय समिति यानी कि IDCC की बैठक में लिए गए निर्णय का अनुपालन कराने के संबंध में। तो 29/12/2020 को जो बैठक हुई थी, उस बैठक में कुछ निर्णय लिए गए थे, उसी निर्णय को अनुपालन कराने के संबंध में इस लेटर को जारी किया गया है। तो आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो भी नए नए लेटेस्ट अपडेट आए आप सभी तक उसका पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए, अब हम अपने पत्र की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे, महाशय उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि दिनांक 29/12/2020 को विकास आयुक्त बिहार की अध्यक्षता में जन्म और मृत्यु की घटनाओं का 100% राष्ट्रीयकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अंतर विभागीय समन्वय समिति IDCC की बैठक हुई। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं का 100% रजिस्ट्रीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु, तो जो जन्म और मृत्यु की घटनाएं हैं, जिसको आंगनबाड़ी सेविकाएं जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाती हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कराती हैं, उक्त बैठक में ICDS निदेशालय से निम्न बिंदुओं पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया था। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो दो बिंदु दिया गया है, यहाँ पर बताया जा रहा है आंगनबाड़ी सेविका सह उप रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु के द्वारा अपने पोषक क्षेत्र के 21 दिन के भीतर घटित प्रत्येक जन्म और मृत्यु की घटनाओं का ससमय रजिस्ट्रीकरण कर प्रमाण पत्र लभ्य कराने हेतु निर्देशित किया गया, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में विलंबित घटनाओं की स्थिति पैदा न हो। दूसरे नंबर में बताया जा रहा है, जिला एवं प्रखंड स्तर पर आयोजित बैठक में आंगनबाड़ी सेविका सह उप रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु के द्वारा की जाने वाली केंद्रवार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण की गहन समीक्षा का निर्देश दिया गया। तो जो जिला एवं प्रखंड स्तर पर जो बैठक होती है, उसमें आंगनबाड़ी सेविकाओं को बताया गया कि अपने अपने केंद्र के जो जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, उसके लिए यहाँ पर सभी को निर्देश दिया गया। अतएव उक्त के आलोक में सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अपने परियोजना अंतर्गत प्रति माह प्रति केंद्र, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हर माह हरेक केंद्र में जन्म लिए बच्चों एवं मृत्यु की घटना का ब्यौरा महिला परिवीक्षिका के माध्यम से लेंगी। तो जो भी आपके केंद्र में बच्चे जन्म लेते हैं या मृत्यु होती है, तो उसका ब्यौरा आपको अपने महिला परिवीक्षिका यानी LS दीदी को देना है, तथा यह सुनिश्चित करेंगी कि सभी जन्म में नए बच्चों का प्रमाण पत्र 21 दिनों के अंदर ही बन जाए, ताकि विलंबित घटनाओं की स्थिति पैदा ना हो। तो आप सभी को जो नए बच्चे जन्म लेते हैं, उसका जो जन्म प्रमाण पत्र है, आपको 21 दिन के अंदर ही बना लेना है, ताकि जो घटनाएँ हो रही हैं, जो कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को सुनने को मिलती है कि हमारा अभी जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना, किस कारण नहीं बना, तो इसकी जो घटनाएं हैं, ये स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए इस पत्र को जारी किया गया है। इस तरह सभी मृत्यु की घटनाओं के लिए भी मृत्यु प्रमाण पत्र 21 दिनों के अंदर ही निर्गत कर दिए जाएँ। तो जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र भी 21 दिन के अंदर ही बनाना है, उसी प्रकार से जो मृत्यु प्रमाण पत्र भी है, वो भी आपको 21 दिन के अंदर ही बना लेना है। इससे संबंधित समेकित प्रतिवेदन सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी प्रत्येक माह
जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को देगी तथा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी प्रति माह जिले का समेकित प्रतिवेदन इस प्रारूप में निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगी। जो ये नीचे दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे जिला का नाम देना है, परियोजना का नाम, माह में जन्मे कुल बच्चे की संख्या कितनी है और 21 दिनों के अंदर जन्म प्रमाण पत्र बना या नहीं, हाँ या नहीं में भरना है, और नहीं तो किस कारण से जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना उसका यहाँ पर रिपोर्ट देना है। नीचे है जैसे कि जिला का नाम, परियोजना का नाम, और यहाँ मृत्यु की, ये मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए है और 21 दिनों के अंदर ये प्रमाण पत्र बना, हाँ या नहीं में इसको भरना है, और उसका कारण भी बताना है कि किस कारण से अभी तक प्रमाण पत्र नहीं बना है। नीचे आने पे आपको देखने को मिलेगा, अतएव निर्देश दिया जाता है कि उक्त प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में 3 दिनों के अंदर निदेशालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। तो ये जो जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र है वो जो 3 दिनों के अंदर जो लोग को बाकी है वो लोग अपने LS मैम को उपलब्ध कराएंगी। तो आप सभी को इस लेटर के बारे में जान के कैसा लगा और ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।